प्रेम लग्जरी और ग्लैमर के ग्रह शुक्र अपनी राशि परिवर्तित करके, जो अभी गुरु के साथ वो मीन राशि अपनी उच्च राशि में बैठे हुए हैं, वहाँ से निकल के मेष राशि में जाने वाले हैं और वहाँ राहु देव उनका इंतज़ार कर रहे हैं। तो आज हम शुक्र के इसी महत्वपूर्ण ट्रांजिट की बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कब ये ट्रांजिट शुरू होने वाला है, कितने दिनों तक ये ट्रांजिट रहेगा, इस ट्रांजिट के देश और दुनिया पे किस तरह के असरात होंगे ये मैं आपको बताऊंगा। एक स्पेशल स्टोरी सुशांत सिंह मर्डर केस के बारे में भी मैं इसमें जिक्र करूंगा, जैसा कि थंबनेल में आपने उनका चित्र देखा होगा। और फिर शॉर्ट में आपकी राशियों पर यानी कि आपकी लग्नों पर क्या असर पड़ेगा इस ट्रांजिट का, उसकी भी बात करूंगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुराग तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, शुक्र दिनांक 23 को यानी कि कल 7:30 बजे शाम को मेष राशि में संचरण करने जा रहे हैं और अभी तक जैसा मैंने बताया वो मीन राशि में उच्च की स्थिति में बृहस्पति देव के साथ थे और अब वो जा रहे हैं मेष राशि में, जो कि कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है उनके लिए। वहाँ पर राहु के साथ राहु वहाँ उनका इंतज़ार कर रहे हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो शुक्र की स्थिति वैसी ही है जैसे कोई सजा संवरा हुआ व्यक्ति, आकर्षक व्यक्ति गुरु के घर में जाता है और जहाँ पे गुरु पूरे सम्मान के साथ उनको रखते हैं, ज्ञान की बातें बताते हैं और दोनों के बीच काफ़ी अच्छी मंत्रणा होती है और वहाँ से निकल के फिर वो एक ऐसी जगह में जाते हैं, एक ऐसे घर में शिफ्ट कर रहे हैं, जा रहे हैं जहाँ पर कोई उनकी बहुत विशेष आवभगत नहीं है और वहाँ पर एक मायावी व्यक्ति, एक तिकड़मी व्यक्ति उनका इंतज़ार कर रहा है। हालांकि उस व्यक्ति से उनकी जमती है और वो व्यक्ति भी उनका शिष्य ही है, क्योंकि शुक्र देव जो हैं वो जैसा हम जानते हैं कि असुरों के देव हैं शुक्र, और राहु उनका शिष्य है। तो कहीं ना कहीं वो अपने ऐसे घर में जा रहे हैं मंगल की राशि में, मेष राशि में, लेकिन वहाँ पर उनका शिष्य राहु बैठा हुआ है और गुरु की अच्छी अच्छी बातें अभी मीन राशि में सुन के आए हैं, अब वो मेष राशि में जा रहे हैं राहु के साथ। तो इसका क्या असर पड़ेगा दोस्तों, और ये जो स्थिति है ये बन रही है 18 जून तक के लिए, मतलब लगभग 1 महीने का ये ट्रांजिट होने वाला है, तो काफ़ी लंबा समय होता है 1 महीने का। और सभी के लिए ये महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रकृति के हिसाब से अगर हम जाएं तो शुक्र और राहु का कॉम्बिनेशन ज्योतिष में अच्छा नहीं माना जाता। जैसा मैंने थंबनेल में लिखा है कि जहां राहु माया है, जहां राहु धुंध है, और वहीं पर शुक्र जो है ग्लैमर है, शुक्र खुशबू है, शुक्र महक है, तो ये एक महकती हुई धुंध की बात है और जिसमें बहकते हुए लोग भी आपको दिखाई देंगे। ये जो कॉम्बिनेशन है दोस्तों ये अच्छे अच्छों को बहकाने के लिए काफ़ी होता है, क्योंकि राहु माया का ग्रह है, राहु तिकड़मों का ग्रह है, राहु और शुक्र का जो कॉम्बिनेशन है वो चारित्रिक पतन लाता है। राहु और शुक्र का जो कॉम्बिनेशन है वो ऐसी पार्टीज़ को लेके आता है जहाँ पर ड्रग्स भी है, जहाँ पर धुएं का गुबार है, जहाँ पर शराब भी है और जहाँ पर महकते और बहकते हुए कदम भी हैं। तो इस तरह की किसी न किसी पार्टी की बात अब हमको मीडिया में सुनाई दे सकती है या अलग अलग जगहों पे हमको पता चल सकता है इस तरह की कोई बात, इस तरह की चीज़ें आपके सामने आएंगी अगले 1 महीने के समय में। उस बात के लिए तैयार रहिए।
शुक्र जो है वो सेलिब्रिटीज़ का भी कारक है, खासकर फिल्मी जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनका कारक है। और जब राहु के साथ शुक्र जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो माया है वो पूरी चरम पे अपनी पहुंच जाती है, और ये माया जो चरम पे पहुंचती है तो वो फिल्म उद्योग को के कुछ ऐसे काले रहस्य भी उजागर कर सकती है जिसको हम लोग सुनना देखना ना चाहें। तो इस तरह के काले रहस्य उजागर होने का खतरा या होने की स्थिति हमको एक महीने में दिखाई दे सकती है। दोस्तों, शुक्र जो है वो अगर हम मंडेन एस्ट्रोलॉजी में जाएं तो शुक्र भारत की लग्न के स्वामी बनते हैं, और भारत की लग्न के स्वामी शुक्र का अपनी लग्न से 12वें भाव में बैठना और राहु के साथ बैठना कहीं ना कहीं तकलीफ़ों को, अड़चनों को दिखाता है। और ये तकलीफ़ें, ये अड़चनें, जैसा मैंने अपने पहले के भी वीडियोज़ में बताया था, इकोनॉमी के मामले में हो सकती हैं, क्योंकि शुक्र कहीं ना कहीं धन समृद्धि के भी कारक हैं। शुक्र कहीं ना कहीं बैंकिंग सेक्टर से भी जोड़ते हैं, तो इन सभी चीज़ों में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, ऐसा हमें लगता है। साथ ही शुक्र 12वें भाव में बैठना शुक्र का कुछ रहस्य उजागर कर सकता है राष्ट्रीय स्तर पर, जैसा मैंने फिल्म इंडस्ट्री के बारे में भी कहा, इन जनरल भी, चाहे वो पॉलिटिशियंस के बारे में हो या अन्य किसी मामले में भी रहस्यों का उद्घाटन हो सकता है। ये जो समय है, जैसे कि आपने सुना होगा कि हनी ट्रैपिंग के केसेस होते हैं, हनी ट्रैप, ये हनी ट्रैप के लिए एकदम आइडियल सिचुएशन है। तो जो लोग महत्वपूर्ण पदों पर हैं, खासकर सेना वगैरह में हैं, या किसी भी महत्वपूर्ण पद पर हैं, देश की उन्नति, देश की सुरक्षा जिनके हाथ में है, उनको इस तरह के हनी ट्रैप से बचना चाहिए, क्योंकि अगर इस समय कोई हनी ट्रैप बिछाता है तो आपके फंसने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि ये राहु माया में आपको घेरेगा। माया धन के रूप में, माया स्त्री के रूप में, किसी भी रूप में आके आपको वो प्रभावित कर सकता है। तो ये जो राहु और शुक्र का कॉम्बिनेशन है, ये इससे बहुत बच के रहने की ज़रूरत है। और कई बार रहस्यों का उद्घाटन होते होते भी देर हो जाती है, तो इसलिए सभी को सुरक्षा, सभी को इस बारे में अलर्ट रहने की ज़रूरत है। दोस्तों, शुक्र पार्टीज़ के कारक हैं, शुक्र मार्केट के कारक हैं, और राहु कहीं ना कहीं अपराधों के भी कारक हैं, विस्फोट के भी कारक हैं। तो ऐसे समय में जब भी शुक्र और राहु का ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है, और ख़ासकर मंगल की राशि में, तो एक ज्योतिष होने के नाते मेरा सीधा ध्यान आतंकवादी घटनाओं की तरफ भी जाता है। ऐसा ना हो बाजार के क्षेत्रों में, ऐसा ना हो थिएटर्स में, होटल्स में कहीं बम की स्थिति बन जाए, आतंकवादी हमलों की स्थिति बन जाए। तो इस समय कोई भी ऐसे कॉमन प्लेसेस पे थोड़ा सावधानी से जाने की ज़रूरत है, क्योंकि इस तरह की घटनाएं कहीं भी, ऐसी पार्टीज़ में, कहीं पे भी, ऐसे मॉल्स में, मार्केट्स में होने की काफ़ी उस तरह के खतरे होते हैं। इसके अलावा अग्निकांड का भय तो अभी चल ही रहा है, जैसे हमने पहले भी अपने वीडियोज़ में बताया है कि गर्मी का मौसम भी है और अग्नि कांड की ग्रह स्थितियां भी हैं। राहु जो है मंगल की राशि में बैठे हुए हैं, तो ये राहु आग को और भड़काने का काम करते हैं। राहु की प्रकृति तो यही है दोस्तों, वो एम्प्लीफाई कर देता है राहु। जैसे कि राहु मंगल की राशि में है, अग्नि तत्व राशि में है, अग्नि को, आग को एम्प्लीफाई कर देगा। मंगल युद्ध का कारक है, युद्ध को भी एम्प्लीफाई कर सकता है। मंगल लड़ाई झगड़े का कारक है, समाज में लड़ाई झगड़ा भी फैला सकता है। ये राहु की स्थिति है, जो कि अप्रैल 12-13 अप्रैल से मेष राशि में आए हैं और 1.5 साल रहेंगे। तो इन 1.5 सालों में वो इस तरह की कोई भी घटना को अंजाम बीच बीच में देता रहेगा, जब दूसरे ग्रहों की स्थितियां भी उसी प्रकार की होंगी। अब वो शुक्र के साथ जब आ रहा है, तो शुक्र ग्लैमर का कारक है, सेक्स का कारक है, और सुख सुविधाओं का कारक है,
चमक दमक का कारक है, तो इन सभी चीज़ों का, प्रेम का भी कारक है शुक्र, तो इन सभी चीज़ों को बहुत तेज़ी से ये राहु जो है बढ़ाएगा, और उसमें बढ़ाने के साथ साथ उसमें कुछ नकारात्मक भाव भी, एक ऐसी चीज़ें जो कानून जिनको अच्छा नहीं मानता, ऐसी चीज़ें जिसको समाज अच्छा नहीं मानता, उनका तड़का भी वो उसमें लगाएगा। तो मेरे ख्याल से मैंने आपको काफ़ी हद तक ये समझा दिया है कि ये राहु और शुक्र क्या कर सकते हैं, और इसलिए जैसा मैंने बताया देश के मामले में या पूरी दुनिया में भी, चूँकि सारी दुनिया के लिए ये ट्रांजिट है, तो मॉल्स में, मार्केट्स में, या जहाँ पे भी पार्टीज़ जहाँ पे होती हैं, मार्केट्स जहाँ पे होते हैं, वहाँ पर सुरक्षा को बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। दोस्तों, ग्रह अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करते हैं, और आप देखेंगे अभी क्या है कि दोनों तरह की प्रकृतियाँ डोमिनेट कर रही हैं। सबसे मज़े की बात यह है, और जिस जो कारण है मेरे इस वीडियो को बनाने का, जहाँ एक और राहु और शुक्र का ये जो एक तरह से चरित्र को कमज़ोर करने वाला योग बन रहा है, वहीं दूसरी तरफ जैसे ही शुक्र निकलेंगे 23 तारीख को, गुरु और मंगल का योग जो कि मीन राशि में बनेगा, वो चरित्रवान बनाने का योग है। दोनों तरह के योग आपको एक साथ सृष्टि में अभी उनकी रचना हो रही है, और ये देखना है कि ये किस तरह का प्रभाव डालते हैं। जो लोग अभी चरित्रवान बनना चाहते हैं तो प्रकृति उनको भी मदद करेगी, और अगर आप स्लिप करते हैं चरित्र के मामले में, या ड्रग्स या इस तरह की जो भी नकारात्मक चीज़ें समाज जिनको सर्टिफाई नहीं करता, तो उसमें फिसलने का भी डर है, क्योंकि दोनों ही तरह की ग्रह स्थितियां हैं। मीन राशि में गुरु और मंगल का कॉम्बिनेशन चरित्रवान योग बनाता है। गुरु अपने घर में है और मंगल भी साथ में है, तो गुरु और मंगल का ये जो कॉम्बिनेशन है जो कि मीन राशि में बन रहा है, गुरु के अपने घर में, और जहाँ पर सेनापति गुरु के साथ हैं, गुरुदेव के साथ सेनापति, तो निश्चित रूप से वो नियमों कानूनों को का उल्लंघन नहीं होने देंगे, और वहीं दूसरी तरफ नियम तोड़ने वाली स्थितियाँ भी हैं, तो हो सकता है कि कानून बनाने वालों और कानून तोड़ने वालों के बीच संघर्ष की स्थिति भी हमको इस समय पर दिखाई दे। तो ग्रहों की प्रकृति का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो तो हमें कम से कम यही बता रहा है इस समय। अब दोस्तों आइए समझते हैं कि आपकी राशियों के लिए ये किस तरह से प्रभाव डालेगा, लेकिन उसके पहले सुशांत सिंह राजपूत जिनका मैंने फोटो थंबनेल में डाला है, उनकी बात यहाँ पे करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी जो मृत्यु हुई उस पर धुंध अभी भी छाई हुई है, राहु का साया उस पर अभी भी छाया हुआ है, क्लैरिटी उसमें नहीं है कि क्या हुआ था उस समय पर। और सुशांत सिंह राजपूत मेष लग्न के जातक थे, वही मेष राशि जहाँ पर अभी राहु बैठे हुए हैं और शुक्र वहाँ जा रहे हैं, तो हमें ये लगता है कि ये जो समय है एक महीने का, ये सुशांत सिंह राजपूत या इस तरह के जो मामले, छुपे हुए मामले हैं, उनके उद्घाटन के बारे में, उनके सामने आने के बारे में एक अच्छा समय हो सकता है, या उससे संबंधित कोई क्लू सामने आने का समय ये हो सकता है, इसलिए हमने सुशांत सिंह राजपूत की इस वीडियो में बात की। तो ये जो समय है सुशांत सिंह राजपूत का केस, या इसी तरह के कुछ अन्य जो केसेस हैं जिस पे धुंध चढ़ी हुई है, राहु असर दिखाए हुए है अपना, उनकी फिर से कुछ बात या सूचना में, समाचार में फिर से उनकी बातें चलने का योग फिर से हमें दिखाई देता है। इसके बाद दोस्तों आइए जानते हैं कि आपकी लग्नों के लिए ये क्या असर लेके आ रहा है, ये जो कॉम्बिनेशन है शुक्र और राहु का कॉम्बिनेशन। और शुक्र, जैसा कि हम जानते हैं कि अधिकांश जगहों पर शुक्र का प्रभाव सकारात्मक ही होता है, सिर्फ 3 स्थितियां ऐसी होती हैं जिसमें शुक्र उतना अच्छा फल नहीं देते, और वो उन 3 स्थितियों के हिसाब से जो 3 राशियां बनती हैं, जो 3 लग्नें बनती हैं, वो पहली लग्न है तुला लग्न। तुला लग्न के लिए शुक्र का ये जो संचरण है वो 7वें भाव में हो रहा है, और 7वें भाव में होने से तुला लग्न हो या तुला राशि, दोनों के जातकों को कुछ परेशानी हो सकती है,
उनको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है, उनके ऊपर एलिगेशंस आ सकते हैं, परिवार में संतुलन बिगड़ सकता है। वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनके छठवें भाव में ये संचरण हो रहा है, तो उनको भी बहुत संभल के रहने की ज़रूरत है। रोग उनको कुछ ऐसे रोग जो कि शुक्र से संबंधित, उनके प्रति उनको संजीदा रहना चाहिए। साथ ही राहु जो है छठवें भाव में ऑपरेशन वगैरह भी आपके पेट के क्षेत्र का करा सकता है, तो वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि वालों के लिए ये अच्छा नहीं है। इसी प्रकार दसवें भाव में कर्क लग्न कर्क राशि वालों के लिए भी ये जो संचरण है वो उनके कार्य क्षेत्र में कुछ अचानक समस्या पैदा कर सकता है, साथ ही उनको धन लाभ के मामले में कुछ अचानक कोई ऐसा धन लाभ की स्थिति बनी हो वो अचानक उसमें रुकावट आ जाए, ऐसी स्थिति भी बन सकती है। तो ये जो तीन लग्न और तीन राशियां हैं दोस्तों, इनके लिए शुक्र का ये जो संचरण है ये खास अच्छा नहीं है, चैलेंजिंग है। लेकिन बाकी जो लग्न और राशियां हैं सभी के लिए शुक्र का ये संचरण बहुत ही अच्छे फल लेकर के आएगा, उनको खूब अच्छे से पार्टी एंजॉय करने को मिलेगा, खूब अच्छे से वो एंजॉय करेंगे अपना समय, मार्केटिंग करेंगे, अच्छे अच्छी चीज़ें खाने को उनको मिलेंगी, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनने को मिलेंगे। तो शुक्र जो जिस तरह के एंजॉयमेंट देता है, जो मटेरियल एंजॉयमेंट है, फिजिकल एंजॉयमेंट है, वो बहुत ज़्यादा शुक्र के इस संचरण से बाकी की सभी जो नौ राशियाँ हैं उनको मिलेगा। लेकिन इसमें जैसा कि वृषभ राशि के मालिक हैं शुक्र और वो राहु के साथ जा रहे हैं, तो वृषभ राशि वालों को केस मुकदमे से विशेष रूप से थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि शुक्र बारहवें जा रहे हैं। हालांकि शुक्र का बारहवां फल तो अच्छा होता है, लेकिन चूंकि वो राहु के साथ जा रहे हैं तो कहीं कोई उलझाव, कहीं कोई फॉल्स एलिगेशन वगैरह वृषभ राशि वालों के लिए लग सकता है। साथ ही जो मेष राशि वाले हैं उनको भी उनकी राशि में चूँकि शुक्र आ रहे हैं तो उनको भी इस तरह के जो मामले हैं उसमें भटकना नहीं चाहिए। ऐसे मामले जिनको समाज इजाज़त जिनकी नहीं देता, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह, इन सब से दूर रहना चाहिए। चारित्रिक आक्षेप उनके ऊपर आ सकता है। तो ये जो कुल मिला के पाँच राशियां हैं, जैसे कि मेष वृषभ, इसके अलावा तुला वृश्चिक और कर्क, इनके लिए ये संचरण थोड़ा अलर्ट रहने वाला है, बाकी सभी के लिए ये शुभ फल लेकर के आने वाला है। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इससे कुछ ना कुछ आपने सीखा होगा और अलर्ट रहेंगे आप, क्योंकि ये शुक्र और राहु का जो संचरण है वो महकती हुई धुंध और थिरकते हुए कदम, बहकते हुए लोग, इस तरह का ये कॉम्बिनेशन है। और आशा है कि आप इससे बचेंगे और एक महीने के इस समय में अपने ऊपर किसी भी तरह का कोई आक्षेप नहीं आने देंगे। इसी उम्मीद के साथ, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब्ड अगर आपके उसमें लिखा हुआ है तो उसको पुश मत कीजिए, अदरवाइज वो अनसब्सक्राइब हो जाता है। तो आप सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाइए और शेयर कीजिए इस वीडियो को, और इसी तरह हमसे जुड़े रहिए। नमस्कार।